वेलकम टू कनक रंग। जय श्री राधे। आज हम फिर बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण रेखाओं के संबंध में, जिसमें एक है कोण की रेखा, दूसरे आपके क्रॉस की रेखा और तीसरी है यव की रेखा। सबसे पहले बात करेंगे कोण रेखा के संबंध में। आपके दोनों अंगुलियों के मध्य में कई बार आप देखेंगे ऊपर से जुड़ती हुई और नीचे फैलती हुई एक स्थिति यहाँ पर बनेगी। कई बार इसे संधि रेखा के रूप में भी आप यहाँ पर जानते हैं। तो इनका प्रभाव किस प्रकार से आपके जीवन में आता है और ये आपके लिए शुभ है या अशुभ है और कहाँ पर किस प्रकार से इसके फल मिलते हैं, इनके संबंध में जानेंगे। देखो, सामान्य तौर पे इनका होना दो पर्वत क्षेत्रों को अलग करता है और ये काफ़ी शुभ कई मामलों में देखी गई है, क्योंकि कई बार जैसे कि मान लो इसके मध्य में ग्रहण योग बन रहा हो और वो रेखा ऊपर से आ रही हो, तो ये संधि होने के कारण क्या होता है, रेखाएँ भंग हो जाती हैं, यानी इसका जो दोष है व्यक्ति के जीवन पर नहीं आता है। सूर्य से शनि से लेके यहाँ पर आपके गुरु के क्षेत्र तक आती रेखा के मध्य में अगर बीच में आ जाए तो ये जो बुरे प्रभाव यहाँ पर डालेगी उससे जातक यहाँ पर बच जाता है। उसी प्रकार से बुध से सूर्य तक आती रेखाओं को अगर ये बीच में आ गई तो उसे काट देने का काम करती है, भंग कर देने का काम करती है। लेकिन वहीं पर अगर देखे कि किसी भी खास जो रेखा है वो नीचे की तरफ है और इस क्षेत्र में इनके योग बन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनके बहुत ही ज़्यादा सुप्रभाव जातक के जीवन में देखने को नहीं मिलते हैं। अगर मान लो शनि का ये क्षेत्र गड्ढेदार है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल अंदर की तरफ जो है ना गैप होके आगे की तरफ बढ़ रही है, यानी ये पर्वत ऊँचा है, पर्वत ऊंचा और बीच में नाली के जैसी आकृति है, उसमें अगर संधि रेखा आ गई तो ये शुभ है, यानी कि जब भी ये नाली जैसी रेखा बनेगी फिजूल खर्ची बढ़ाएगी, आर्थिक तौर पे जो है ना आपको हमेशा एक विपन्नता की स्थिति बनी रहेगी, कितना भी कमा लोगे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। संधि आ गई, ये उसने क्या करना है, थोड़ा नैरो कर देना है पाइप को, थोड़ा कमजोर कर देना है, तो इससे क्या होगा, पैसे बचेंगे, आपके हाथ में नहीं रहेंगे लेकिन निवेश कर दोगे कहीं, तो थोड़ा कंजूसी भरा जीवन मोटा मोटा आपका चल जाएगा, तो ऐसी स्थितियों को दिखाता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो और संधि की एक स्थिति हो तो ये सुंदर अवसरों को कम करने का काम करती है, कई बार आपका सहयोग नहीं कर रही होती है। जीवन में जिस प्रकार से आप प्रगति चाहते हैं उस प्रकार से प्रगति नहीं कर रही होती है, खासकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को और आर्थिक मुश्किलों को दिखाने का काम करती है। आपके इस मध्य के क्षेत्र में अगर यहाँ पर बन रही है, यानी कि आपके सूर्य के और शनि के मध्य में बन रही है, तो ये विवादों को कई बार बड़ी हवा देगी, किया कुछ नहीं और आपके ऊपर कुछ इल्ज़ाम आ गया, छोटी छोटी बातों पर आपस में परिवार के लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लगे, कारोबार में कुछ समस्याएं यहां पर आनी शुरू हो गई। अब यहां पर एक चीज देखना है कि यहां पर एक एकल रेखा है और दूसरी छोटी है, तो क्या इसे आप कोण के रूप में मानेंगे, नहीं, ये विद्या रेखा के रूप में यहां पर आ गई। कोण की रेखा जब भी होगी वो आपकी दोनों एक जैसी स्थिति में यहां पर बन के आएगी, ठीक है, तो ऐसे योगों को यहां पर बनाएगी विवाद को। फिर दूसरे बुद्ध के क्षेत्र में आ जाएगी तो ये मानसिक विकारों को बढ़ाने का काम करेगी, कंफ्यूजन को यहां पर बढ़ाने का काम करेगी। ये रेखा आपकी अन्य हथेली में अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी, खासकर चंद्र के क्षेत्र में। चंद्र के क्षेत्र में जब भी जिधर भी ये रहे तो समझ जाओ पानी से बचना है, स्त्रियों से बचना है, ये जातक के लिए बहुत जरूरी है। अगर स्त्री हैं तो दूसरी स्त्रियों से बचना है। अगर आपके शुक्र के क्षेत्र में आ जाए तो ऐसे में जातकों को धार्मिक तौर पर अपने आप को उन्नत करने की कोशिश करनी चाहिए, धार्मिक गतिविधियों में काफ़ी भाग लेना चाहिए, विभिन्न प्रकार के लोक और लोक परोपकार से संबंधित कामों को करना चाहिए, उन्हें लाभ मिलेगा। अगर आपके मंगल के क्षेत्र में है तो ऐसे लोगों को विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से हमेशा दूर रहना चाहिए, न जवान को अपना शस्त्र बनाए, न शस्त्र को अपना शस्त्र बनाए, शास्त्र से दोस्ती करें तो जातक के लिए शास्त्र सम्मत एक स्थिति होगी। वहीं पर दूसरे मंगल की स्थिति में ऐसा है तो जब भी कभी यात्रा पर जाएं तो जहां तक हो सके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ज़्यादा पहाड़ी नदी वगैरह क्षेत्रों से बचें, तो ऐसे जातकों के लिए अच्छा होता है। अब हम बात करेंगे क्रॉस के चिन्ह का। जैसा कि आप जानते हैं क्रॉस पे काफ़ी सारे वीडियोज हमारे हैं या यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। क्रॉस का साइन का अपना एक अलग ही महत्व है। क्रॉस एक जगह पर आपके लिए बड़ी मुश्किल होता है तो दूसरी जगह पर आपके लिए बड़ा ही शुभ होता है, जैसे सांप का जहर आपको मारता भी है और बचाता भी है। उसी प्रकार से अगर क्रॉस की स्थिति आपकी हथेली में बिल्कुल सुस्पष्ट रूप में गुरु के क्षेत्र पर होना अधिकांशतः मामलों में आपके लिए अत्यधिक शुभ है, लेकिन कुछ मामलों में शुभ नहीं भी है, इसे ही समझने की जरूरत है। जैसे मान लो कि आपके पास जो है ना बंदूक अच्छी नहीं है, ठीक है, और बुलेट आपके पास बहुत बढ़िया है, तो क्या करोगे उसे लेके, कहाँ हाथ से फेंक दोगे किसी के ऊपर या पहाड़ पे,
नहीं फेंकेंगे ना, उसके लिए वैसा चाहिए, मतलब लॉन्चिंग पैड वैसा चाहिए, लॉन्चिंग वेपन वैसा चाहिए, तभी जाके वो पूरी तरीके से अपना काम कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर गुरु का यह पर्वत क्षेत्र आपके लिए उत्तम नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है, धसा हुआ है, या इसकी स्थिति वृद्ध स्थिति में है, या बिल्कुल बाल्यावस्था में है, वैसी स्थिति में अगर यहाँ पर क्रॉस होगा तो इसका फल जातक को नहीं मिलेगा, 30 साल के बाद मिलेगा। कोई भी शुभ जो है इससे अगर लाभ की आप उम्मीद कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर ये उन्नत स्थिति में है फिर अगर क्रॉस है तो ये पूरी तरीके से आपके लिए काम करेगा। इसके अलावा इस मध्य में जो एक क्रॉस बनेगा, एक क्रॉस या एक क्रॉस कोई भी जो है एकल रेखाओं के द्वारा बना हुआ हो, किसी भी इनेमी सिंबल या अस्थाई जो इनेमी लाइन्स हैं उसके द्वारा खंडित न किया गया हो, और पर्वत क्षेत्र बहुत ही सुंदर हो, तब इसका पूर्ण प्रभाव जातक के जीवन में दो सफल प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी पर्वत पर इसके सुप्रभाव जातक को यहां पर देखने को नहीं मिलते हैं। आंशिक तौर पे कुछ जगह दिख जाए छोटे से समय के लिए, लेकिन उससे ज्यादा का इसका प्रभाव आपको यहां पर देखने को नहीं मिलता है। तो बेसिक्स को हमेशा समझना है कि सिर्फ बुलेट आपका जो है वो काम नहीं कर पाएगा बिना लॉन्च पैड के, ठीक है। तो हर एक चीज के लिए कुछ बेस चाहिए, आधार चाहिए। तो जब आधार रहेगा, भूमि रहेगी, तभी उस पर पौधे लगाओगे ना। गमले में पौधे लगाते हो ना, हाथ में थोड़े ना लगा लेते हैं, कहीं थोड़े टांग देते हैं, वैसे ही चल जाते हैं। तो बेस होना यहाँ पे अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है। तो इन दोनों जगहों पे आपके लिए शुभ है, बाकी जगहों पे आपके लिए अशुभ योगों को बढ़ाने का काम करता है। फिर हम बात करेंगे यव रेखा के संबंध में। देखो यव रेखा की स्थिति ऐसी है, बिल्कुल गेहूं के दाने की जैसी स्थिति होगी। ये पूरी हथेली में कहीं भी आपको दिखाई दे सकती है, क्योंकि अच्छी रेखा मिले ना मिले, बुरी रेखाएँ हर जगह मौजूद होती हैं पूरे स्वभाव के साथ। तो यहाँ जो इनकी स्थिति है यव रेखा की, ये जहाँ भी होंगी समझ लो उस पर्वत क्षेत्र की समस्याओं को बढ़ा देगी। बंदा रोने वाला नहीं होगा, फिर भी रुला देगी कि नहीं रोना चाहिए। तो अगर ये हृदय रेखा के इस क्षेत्र में आ जाए, व्यक्ति के अंदर जो है ना सत्य प्रेम करुणा उसका नाश कर देता है, रिश्तों की मर्यादा नहीं समझने देता। आपके गुरु के इस पर्वत क्षेत्र पर आ जाए मतलब अपने आप को पता नहीं क्या मानने लगता है, तुरमखा वो व्यक्ति खुद से ही अपनी चीज़ों को ख़राब करना शुरू कर देता है। शनि के क्षेत्र में आ जाए, विभिन्न प्रकार के अच्छे मौके आपके पास आएंगे जिससे आप पैसे बना सकते हैं, जिससे आप प्रतिष्ठा बना सकते हैं, उन मौक़ों को आप गंवा देंगे। छोटे छोटे लोभ में पड़ के आप अपनी इज्जत गंवा देंगे। सूर्य के इस क्षेत्र में अगर आपके लिए बन जाए, बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा और चने की झार वाली कहानी फिर आपके साथ हो जाएगी, मतलब मिलेगा कुछ नहीं। बुध के इस क्षेत्र में हो जाए, कार्य क्षेत्र में बड़ी समस्याओं को, ये बाधा को पैदा करने का काम करेगा। उसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में इसके बस मतलब मुश्किलें ही आपके जीवन में देखने को मिलती हैं। तो इन तीन रेखाओं की चर्चा हो गई। हालांकि एक और रेखा मैं जोड़ देता हूँ इसके साथ, एक खास सिंबल, वो है शंख का सिंबल। आपकी हथेली में शंख का सिंबल जो है ना बहुत ही सुंदर होता है। जब भी आपकी हथेली में कहीं भी इसी प्रकार से मिल जाएगी, एक शंखाकृति आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो वैसी स्थिति दिख जाए तो समझ जाना कि बहुत ही सुंदर है। शंख का होना कम से कम आपके 7 दोषों को हट लेता है आपकी हथेली के, बस यही मान लो। तो ये अत्यंत शुभ है। मिलते हैं फिर। जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो रंग गुरु।